नमस्कार। भागलपुर में सुबह सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टला है। हम इस वक्त मौजूद हैं भागलपुर के लोहिया पुल पर और हम ऐसी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक ट्रेन की बोगी लोहिया पुल पर पड़ी हुई है। दरअसल रेलवे यार्ड से रेलवे की बोगी को लोडर के सहायता से रेलवे स्टेशन भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर लाया जा रहा था। इसी दौरान लोडर का ब्रेक फेल होता है और उसके बाद ड्राइवर के सूझबूझ से यहाँ पर एक बड़ा हादसा टला है। हम आपको बता दें कि ये जो लोहिया पुल के ठीक नीचे बाजार सस्ता है और अमूमन यहाँ लोगों की भारी भीड़ होती है। साथ ही साथ यह जो रास्ता है, इस रास्ते क्योंकि लोहिया पुल के ठीक बगल में आप तस्वीर में भी देख रहे हैं उनकी भागलपुर रेलवे स्टेशन है लोहिया पुल के ठीक बगल में और इस रास्ते बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही होती है। लेकिन जिस तरह से ड्राइवर ने सूझबूझ का परिचय दिया है उससे एक बड़ा हादसा टला है और जिस तरह से ट्रेन की बोगी लोहिया पुल पर आई है उसके बाद लोगों की भारी भीड़ यहाँ पर देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं बड़ी संख्या में दुर्घटना होने की सूचना मिलने के बाद यहाँ पहुँचे। स्थानीय वार्ड पार्षद हैं मोंटी जोशी जी, एक बड़ा हादसा टला है। देखिए बहुत बड़ा हादसा टल गया है। ये लोहिया पुल से जो एक गाड़ी लोडर पर जो लेके आई गई है बोगी, ये बोगी लेके आने में ब्रेक फेल होने के कारण ये बहुत बड़ी घटना, क्योंकि ये जो मुख्य बाजार है यहाँ पर जो फुटकर दुकानदार लगातार यहाँ पर फुटकर दुकानदारी करते हैं, वो तो संयोग है कि आज एक भी दुकानदार नहीं था जो हताहत कोई नहीं हुआ, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। सुबह सुबह की घटना है। हमारे पास, हम सो के उठे हैं, हमारे पास हमारी जनता का फोन आया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है, तो लोग कंफ्यूजन में थे कि पुल पर ट्रेन कैसे चढ़ गई, लेकिन ये लोडर पर चढ़कर आई है ट्रेन। लेकिन बहुत बड़ा हादसा टला है और ये लोडर पर इतनी बड़ी बोगी को लेके आना, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि ये सड़क मार्ग से कैसे जा रही थी छोटे लोडर पर। किसी की हताहत होने की कोई नहीं है। जो ड्राइवर था इस गाड़ी का, उसकी सूझबूझ के कारण मुझे लगता है ये बहुत बड़ा हादसा टला है और ड्राइवर के घुटने में चोट आई है। ड्राइवर ने और बहुत अच्छे से किया है और जो आम जनता है यहाँ भागलपुर की, ये जो है सबको सहयोग करके, और अभी हमने रेलवे में भी बात की है, थाना में भी बात की है, थाने के लोग, प्रशासन के लोग यहाँ आ गए हैं। प्रशासन के लोग आने के बाद यहाँ पर जो राहत कार्य शुरू कर दिया गया है। और कुछ लोग हैं किस तरह से देख रहे हैं जिस तरह से हादसा हुआ है? हम लोग तो, हम तो सर बगल में खड़े थे यहीं पे, जिस टाइम ये माल उतर रहा था, गाड़ी आ रहा था रोड ऊपर से, ड्राइवर गाड़ी को काट रहा, वो अपना बाया साइड काट रहा है, मगर गाड़ी उसका वो जो हुलाड़ के कारण से वो भाग रहा दाहिना साइड में, वो ड्राइवर संभालने नहीं सका बेचारा, ब्रेक मारने पे फिर भी उसका गाड़ी पूरा एकदम बाया कटा रहा, पूरा कटने के बाद वो घुस गया अंदर। बड़ा हादसा टला, बड़ा बहुत बड़ा हादसा टल गया। किसी को कुछ माल जाल को कुछ नुकसान नहीं हुआ, यही सुबह सुबह का घटना। बड़ा हादसा टला है। हाँ चला, बहुत बड़ा हादसा, नहीं तो कितना जान माल चला जाता, बहुत नुकसान होता, इसके कारण कितना आदमी मरता कोई पता नहीं बाबा, बहुत बाले बाल बच गया, बचने कोई। तो इस तरह से जो स्थानीय लोग हैं उनका भी साफ कहना है कि ड्राइवर के सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टला है। हम आपको बता दें कि आज सुबह भागलपुर रेलवे यार्ड से लोडर पर ट्रेन की एक बोगी को लेकर भागलपुर रेलवे स्टेशन लाया जा रहा था, इसी दौरान लोहिया पुल पर यह हादसा हुआ है। गृहमत यह रही कि किसी भी तरह का कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुबोध के साथ कुणाल शेखर, लाइव सिटीज भागलपुर।